इस लुक में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आपके साथ इतना कुछ बीता है। ये आपका खुद का सूट है? नहीं सर। ये खुद का आपका नहीं? नहीं सर, मैम ये रेंट पर लिया हुआ है। जय माता दी सर। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम वास्तव कुमार। वास्तव कुमार, कहाँ से हैं आप? मैम मैं पंजाब गुरदासपुर गांव हल्ले का रहने वाला हूँ। वाह, और ये जो आपने ये सूट पुट जो पहना है इज ए फॉर्मल, क्या बात है, इतना तैयार होके आए हो, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। म्यूजिक सीखा है आपने? हाँ जी मैम, मेरे मम्मी पापा गाते थे। ओके। अब मैं उन्हें से थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखता हूँ। और गाते थे का क्या मतलब, अब नहीं गाते? जी मैम, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे ना, इसीलिए। इस लुक में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आपके साथ इतना कुछ बीता है। हमारे वहां पे क्या है कि अगर मैम बंदा ऐसे ही है ना नॉर्मल में जी, तो कोई भी उसे भाव नहीं देता कि यार ये गाता है। वहां पर जो बंधन के रहता है अपने आप, उसी को ही सिर्फ वहां पे माना जाता है कि हाँ कुछ ये है, सिंगर है। मतलब स्टाइलिश दिख रहे हो तो ही आपको सीरियसली आर्टिस्ट माना जाता है, नहीं तो नहीं माना जाता। ये आपका खुद का सूट है? नहीं सर। ये खुद का आपका नहीं? नहीं सर, मैम ये रेंट पर लिया हुआ है। वास्तव, तुम्हारे घर में दो फेल्ड आर्टिस्ट हैं, इसके बावजूद तुमने संगीत को चुना है और आगे बढ़ने का सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जब सामने तू आता है सजदा कर ले हूँ मैं, सामने तू कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, जरा मेरी बाहों में आ कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भू जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, के रब्बा बिछड़ जावे कितने यार
दुनिया नू के माही बाज नहीं लगदा जी तेनू वास्ता ही तेरे सजना दा तेनू वास्ता तेनू वास्ता ही तेरे सजना दा दस इश्क ददा रुकिए मेरा यार मिला नित्य मार मुका मैं इस दुनिया तो ला भी दिल किसी से लगा कर तो देखो तुम्हें दिल लगी वो जानी पड़ेगी कभी दिल किसी से लगा कर तो दे ये जो तेरी पायलों की छन छन है ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है ये जो तेरी पायलों की छन छन है आशिकों के दिल की ये धड़कन है छन छन सुन सर हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो गाना कहाँ से सीखेंगे सर। एक बार मैंने अपने दोस्त से उधारी पैसे मांगे गाने सीखने के लिए सर, लेकिन जब भी हम गाना सीखने जाते सर हमें कोई भी गाना नहीं सिखाता सर, सब लात मार के नहीं भगा देते सर, हमें कोई भी गाना नहीं सिखाता सर, और हमारे पास सर पैसे भी नहीं होते। क्यों क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि सर सभी लोग बोलते थे कि तुम सबसे नीच जाति से हो। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। से घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। सर हम जब बचपन में गाना गाया करते थे तो हमारी आवाज से सब लोग डर जाते थे, मुझे पागल बोलते थे सर, बोलते तुम्हारा आवाज बेसुरा है तुम कुछ नहीं कर पाओगे सर, हमें सब पागल पागल बोलते थे सर, और सर हमें ना ही कोई खाने के लिए खाना देता था सर, और ना ही सर सोने के लिए सर कोई घर देता था सर। सर मैं आपको बताऊं कि मैं हमारा हम लोग का काम ही गाना बजाना था सर, इसलिए हम बचपन से ही गाना बजाते थे सर। काम गाना बजाने? हाँ। क्या करते हैं आप? सर बचपन से हम गाना बजाया करते थे, हमारा गाना सुन के कोई हमें पैसे की मदद कर दिया और उसी से हम इंडियन आइडल में आ गए गाना सुनाने के लिए। स्थितियों से गुजर के आप आ रहे हो स्टेज तक, यही बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ सर। क्या गा रहे हो आज? सर आज हम गाना सुनाएंगे कि सभी लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं और एक दिन उसे मरना ही है, तो आज उसी पर हम गाना सुनाएंगे। बहुत अच्छे से गाओ। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां पर जहां पानी गम था। जहां से भी ज्यादा चाहा था जिसको उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। नादान थी वो कुछ समझी,
चाहत को रुसवा किया, चाहत को रुसवा किया, बना था के उसी ने हो जाड़ा मेरा आशिया। Oh,